हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज है जी 40C। ठीक है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट रुपए और जो पैसे हैं, जो चैप्टर आपका चल रहा है रुपए पैसे, उसकी मल्टीप्लाई है। स्टूडेंट अगर हम पैसों की मल्टीप्लाई पैसों से करते हैं तो सिर्फ साधारणी मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि आप करते हैं वही मल्टीप्लाई होती है। अगर आप रुपयों की रुपयों से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई है, यानी कि सामान्य ही है ना। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट, अगर रुपये पैसे एक साथ होते हैं है ना, तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, वैसे होते तो वे भी ऐसे ही हैं, रुपये पैसे लिखे भाई, अगर आपको दे दिया कि भाई 5 रुपीज है, 10 पैसे हैं है ना, तो आप क्या करेंगे, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इनके बीच में पॉइंट लगा लीजिए, रुपए और पैसों के बीच में, और रुपए जो लिखे हुए हैं, पैसे लिखे हुए हैं, उन्हें हटा दीजिए है, सिर्फ डिजिट रह जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसे आप जैसे मल्टीप्लाई कर ले करते हैं ऐसे ही कर लीजिए, पॉइंट को कुछ समय के लिए भूल जाइए। ठीक है, पॉइंट आप भूल के आप क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब फिर जो भी आंसर आएगा, आंसर में आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि पैसे 2 डिजिट में होते हैं है ना, जितने भी रुपए पैसों के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे उन सब में जो पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट के बाद ही लगेगा। ओके स्टूडेंट, बस इतना सी बात याद रखनी है आपको और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 15 पैसे है और जी 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 5 है ना, तो 5 5 45 कैरी 2, 5 5 7 या 15 5 75 पैसे और आंसर। ठीक है जी, आ गया या 300 पैसे है और मल्टीप्लाई सेम पैसे से करनी, 7 0 0 7 0 0 7 3 0 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
अच्छी प्रकार आती है। ठीक है जी, आती है ना। तो हम पैसों की मल्टीप्लाई पैसों से कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ है आरएस, का मतलब है रुपीस, है ना। तो 8 रुपीस की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 9 और 9 इज 100 आरएस। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हमने इसमें बीच में छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए और 2 आपके लिए हैं, आप इन्हें खुद कर लीजिए। इसी तरह नीचे वाली जो लाइन है, इसमें से भी हमने 2 क्वेश्चन ले लिए, 2 आपके लिए हो गए। और स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ही फिल करना है, इसे आप रफ कॉपी में करके बुक में फिल कर देंगे। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही हैं जो बुक वर्क है। ठीक है, तो ये तो हम आपको अरेंज करना सिखा रहे थे कि भाई कैसे अरेंज करके और किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करनी आपसे लोगों से आती ही है। ओके स्टूडेंट, और सब में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा वंस की साइड से, या तो 1 10 के बाद पॉइंट लगाओ ऐसे करके, या फिर 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 200 रुपीज है जी, 200 रुपीज को आपने 500 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट 500 और 5 2 10 और ठीक है जी। अब ये भी आर एस है, इसकी डिजिट थोड़ी जी आरएस 0.0 ऐसे कहा है। तो स्टूडेंट वैसे इस 0 की कोई अहमियत नहीं है, चाहे आप यहां पे लगाओ या ना लगाओ, है ना। तो अभी से लगाने के लिए सिर्फ 0.0
75 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। 5 5 25 कैरी 2 और 5 7 35 और 36 37। तो स्टूडेंट 1 2 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 3 रुपए 75 पैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ठीक है जी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 16 रुपीज है क्योंकि पॉइंट से जो लेफ्ट साइड होते हैं वे रुपए होते हैं, जो राइट साइड होते हैं वे पैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट, तब क्या कर रहे हैं 16 रुपीज को क्या करके 4 से कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये पॉइंट के बाद में जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, तो ये पैसे तो है ही नहीं, है ना। चाहे आप इन्हें ना भी लिखे वो भी आपके आंसर सही आएगा, पर बुक में इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए लिख लीजिए। किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई अगर जीरो के साथ करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। ओके स्टूडेंट, और 4 × 6 पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 24 कैरी 2 और 4 × 4 = 6। अगर स्टूडेंट आप ऐसे करें 16 × 4 = 64 देखो आया ना ये आंसर। और अब नेक्स्ट है, इसमें रुपए पैसे दोनों है। ओके स्टूडेंट क्या है जी 450 रुपीज 65 पैसे, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है स्टूडेंट। अब आप थोड़ी देर के लिए जब तुम ये क्वेश्चन करेंगे तो सोच लीजिए यहाँ पॉइंट नहीं है, है ना, और इसे मल्टीप्लाई ऐसे सोचिए कि भाई ये सिंपल मल्टीप्लाई है तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये सोच लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है नहीं, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 15 कैरी 1 3 6 18 और 1 19 कैरी 1 और 3 0 0 0 और 1 1 और 3 5 15 कैरी 1 3 और ऊपर 4 है तो ये 3 है तो 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे 3 4 12 और 1 30। तो स्टूडेंट हमेशा 2 प्लेस के बाद ही पॉइंट लगेगा, अगर क्वेश्चन हमारे रुपए पैसे के आते हैं तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना होता है। ओके तो ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹907.25 को 5 से कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट 5 5 = 25 कैरी 2 5 2 = 10 2 12 कैरी 1 7 5 = 35 और 1 36 आगे जीरो है तो सेम टू सेम रह जाएगा और 9 5 = 45 और 2 प्लेस के बाद वही। ओके स्टूडेंट अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी आपकी 14D, एक्सरसाइज 14D। स्टूडेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोगों से आते ही हैं। ओके अब हम पैसों की पैसों से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट तो क्या करेंगे आप 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 = 45 माइनस करेंगे 0 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 5 5 पैसे। ओके स्टूडेंट अब जो 500 पैसे हैं इन्हें भी आप 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, और 5 5 5 में से 5 गए 0
अब नेक्स्ट डिजिट हमारा जीरो है, इसे कितने ग्राम करेंगे, है कि टेबल अप्लाई नहीं होने का, तो आंसर में जीरो ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारी जीरो ही है, उसे भी हम कितने ग्राम करेंगे, फिर भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो जीरो ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा हमारा 100 पैसे। ठीक है, ये 100 पैसे हमारा आंसर आ गया। अब तो पैसों के डिवाइड थे, अब स्टूडेंट रुपयों के डिवाइड है, जो रुपीज है उन्हें डिवाइड करेंगे, रुपयों को रुपए से डिवाइड करेंगे। यानी बिल्कुल साधारण ही है, जैसे आप डिवाइड करते हैं ऐसे ही है। तो स्टूडेंट 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36, आंसर आएगा 6 रुपीज। अब इसमें स्टूडेंट 900 रुपीज को 9 से करते हैं, 9 में से 9 माइनस करें 0, रिंग डाउन कर ली 0, चलते नहीं क्योंकि चलाने के लिए इक्वल होनी चाहिए फिर अधिक होनी चाहिए, ये कम है दोनों 0, तो एक 0 ऐड करेंगे आंसर में। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारी 0 है, इसे रिंग डाउन करेंगे तो फिर भी टेबल अप्लाई नहीं होने का, तो यहाँ पे भी 0 अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 100। ओके स्टूडेंट, तो ये तो थे जी सब अलग अलग। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है स्टूडेंट, देखो 8 रुपीज है, 80 पैसे है, इसे आपको 4 रुपीज से डिवाइड करना है ना, 4 से डिवाइड करना, तो आप क्या करेंगे, जो बीच में इनके आर लिखा हुआ है, रुपीज लिखा हुआ है, इसे हटा के आप पॉइंट लगा लीजिए इनके बीच में, तो क्या हो जाएगा, 8 रुपए 80 पैसे हो जाएंगे। पॉइंट क्यों लगाते हैं, रुपए पैसों को अलग अलग शो करने के लिए हम उनके बीच में पॉइंट लगाते हैं, तो इसके वजह से हमें पहले पता चल जाता है कि भाई यहाँ रुपए 80 पैसे है, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 * 4 = 8, हम माइनस करेंगे 8 में से 0। स्टूडेंट इसमें डिवाइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सोचते हैं भाई पॉइंट के क्वेश्चन आ गए, पॉइंट के डिवाइड है हमसे होने के, नहीं ऐसा देखो कुछ भी नहीं है, अगर आपसे डिवाइड आते हैं तो इन्हें करने में भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, जैसा हमें 8 उतारना है लेकिन 8 से पहले पॉइंट आ रहा है ना, तो इस पॉइंट को आप यहां लिख दीजिए आंसर, जब भी आ जाए आपको नेक्स्ट डिजिट ब्रिंग डाउन करनी होती है तो उससे पहले अगर पॉइंट आ जाए तो उस पॉइंट को उठाकर आप यहाँ पे रख दीजिए आंसर में। ठीक है, और अभी जो डिजिट है उसे आप बता दीजिए, बस पॉइंट का रोल खत्म है ना। अरे 4 * 8 में से गए 0, ब्रिंग डाउन कर ली 0, चलती नहीं 1 0 ऐड कर दी, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2 रुपीज 20 पैसे, या फिर आप सेम का सेम रूल लिख के आर एस लिख सकते हैं इसका भी 1 रुपीज। ओके, है ना, देखो आसान ऐसे ही करने हैं आपको ये सारे क्वेश्चन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ₹30.50। ओके स्टूडेंट, 30 रुपीज 50 पैसे, पॉइंट लगा दिया बेटा, 5 * 5 = 8। अब स्टूडेंट देखो हमें ये 5 ब्रेक डाउन करना, लेकिन इससे पहले पॉइंट आ गया, आ गया ना, तो अब इसे पॉइंट को यहाँ पे रख देते, जब भी आता है तभी रख लेते हैं, ऐसा नहीं कि पहले जो इसे पहले रख लिया, जब इसके आवश्यक होती है, अब हमने 5 को ब्रेक डाउन कर लिया है जी, 5 * 5 माइनस कर दिया 0 0 बच गई, ब्रिंग डाउन किया, टेबल अप्लाई नहीं हुआ, 1 0 ऐड कर दी। ओके स्टूडेंट, अब आंसर क्या आ गया आपका, 6 रुपीज 10 पैसे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पहले ही पॉइंट लगा के दे रखे हैं, है ना। तो ये 48 रुपीज 15 पैसे है, है जी। 48 रुपीज 15 पैसे को 3 से करना डिवाइड, 3 × 3 माइनस कर लेंगे, 1 उतार लिया, पुट डाउन कर लिया, 8 और 3 × 6 = 18। ओके स्टूडेंट, 0 0। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, हमें अब डिजिट ब्रिंग डाउन करनी है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 को यहाँ पे उतार देंगे। स्टूडेंट 1 कम है 3 से, कम है तो 1 0 आंसर में ऐड करेंगे और नेक्स्ट डिजिट ब्रिंग डाउन करेंगे, 15 हो गया, 3 × 5 = 15। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 0 बच जाएगी, यहाँ पे 0 बच जाएगी, है ना, माइनस करने के बाद। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 रुपीज 0.05। ये पैसे हैं, इनके 5 पैसे आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह ये 16 रुपए 5 पैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 72 रुपीज 40 पैसे। अब इसे कैसे करें आप, 8 से 8 मान जा 72, 0 0। स्टूडेंट अब पॉइंट आ गया 4, हमें ब्रिंग डाउन करता हूँ, पॉइंट को हम यहाँ रख देते हैं और 4 को ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। 4 8 से कम है, टेबल अप्लाई नहीं हो सकता, तो 1 0 ऐड करेंगे और नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करेंगे, कितना होगा 48 × 5 = 40। ओके स्टूडेंट, तो आपके जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो गया आपका 9 रुपीज 5 पैसे। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वे सब आपको अपने आप करने हैं, पहले रब कॉपी पे करेंगे, आंसर मैच करेंगे, उसके बाद उन्हें आप बुक में या अपनी जो भी कॉपी है उसमें करेंगे। जो ये क्वेश्चन हमने कराए हैं ये तो आपको नोटबुक में ही करने हैं। ओके स्टूडेंट, और जो हमने नहीं कराए वे आपके लिए बुक में है, उनके लिए स्पेस है बुक में, बुक में करेंगे, और जो जिनके लिए बुक में स्पेस नहीं है उन्हें आप नोटबुक में करेंगे। ओके, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।